नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। फिंगेश्वर से एक बड़ी खबर है। फिंगेश्वर निवासी मनोज यदू के घर चोरी हुई है और लाखों रुपए के जेवर को चोरी किया गया है। यह बड़ी खबर फिंगेश्वर से है। घर वालों के मुताबिक जब वो 31 तारीख के दिन घर में नहीं थे तभी यह घटना होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और इस घटना की जानकारी घर वालों को तब पता हुई जब कल उन्हें बाहर जाना था और जब अलमारी खोलकर जेवर निकालने की कोशिश किए तो जेवर वहां से गायब थे। घर वाले इसको देखकर चौंक गए और इसकी सूचना फिंगेश्वर पुलिस को दी। फिंगेश्वर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद भी इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि चोरी किसने की ये अभी तक अज्ञात है। घटना को देखते हुए घर वाले बेहद ही असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि घर में ताला लगा हुआ था, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं था और जो भी अलमारी में जो जेवर रखे हुए थे वहाँ भी ताला लगा हुआ था, कहीं कोई सामान फेंका नहीं गया है। हालांकि चोरी की घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी घर वाले दे रहे हैं देखिए। ये अभी संदेह से देखा जाए तो 31 तारीख की रात को ही है, जब हम 5 से 11 बजे तक अपने नाना गांव गए थे। क्या क्या चोरी हुआ है? सोना और चांदी दोनों चोरी हो गया हमारे घर का पूरा। कब पता चला चोरी का? हम लोग को पता चला कल, जब हमारी मम्मी क्या है खैरागढ़ जाने वाले थे कल गृह प्रवेश में मौसी के यहाँ, तो अपना गहना निकालने के लिए अगर देखी चेक की ना तो पूरा सोना गायब था। अब चोरी तो हुई है जी। कितना का चोरी हुआ है? लगभग 3.5 लाख के आसपास पूरा गहना है, गहना जेवरात। घर में कोई नहीं था? घर में तो 30 के बाद तो हम लोग जहाँ बाहर गए थे ला कर गए थे, तो यथावत वैसी वैसी है जी। लेकिन ये बहुत संदेहयुक्त है कि सब रहते हुए बीच में हुआ है, ये सब हम समझ नहीं पा रहे। मनोज यदू का घर शहर के बीचों बीच है। आपको बता दें मनोज यदू ऑटो सेंटर का उनका एक दुकान है और उसी से लगा हुआ उनका घर है जहाँ ये चोरी की वारदात हुई है। हालांकि फिंगेश्वर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। कल दिनांक 5/2/22 के शाम करीबन लगभग 6 बजे थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे घर में अलमारी में रखे सोने चांदी का जेवरात चोरी हो गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा तत्काल हमारा स्टाफ के मौके पर पहुंचकर मतलब घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो अलमारी में रखे लाकर के अंदर सोने चांदी का जेवरात चोरी हो गया था। पूछताछ किया गया लेकिन आरोपियों का पता नहीं चला है। चोरी कैसा हुआ यह भी जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि ताला टूटा नहीं है। अलमारी का चाबी जो है प्रार्थिया खुद रखी थी, लाकर का चाबी नहीं था। उसमें मतलब संदेह होने पर अंदर खोल के देखी तो सोने चांदी का जेवरात नहीं था, तो इस पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है जिसका पता तलाश प्रयास किया जा रहा है। इस घटना को कौन अंजाम दिया है इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान, मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।